श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते से संत गुरु तथा देव समाज की वंदना के साथ गोस्वामी तुलसीदास ने उसी विनीत भाव से खल वंदना भी की है। उन्होंने दुष्ट जन को विनम्र प्रणाम किया है जो बिना प्रयोजन ही हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, जिनको दूसरे के उजड़ने से हर्ष तथा बसने से विषाद होता है। दुष्टों की ये रीति है कि वे शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर ईर्ष्या की आग में जल उठते हैं, किंतु संतों और दुष्ट जन में एक लक्षण समान होता है। जहाँ संत जन का बिछोह प्राण हर लेने वाला होता है, वहाँ असज्जन का मिलना दारुण दुख देने वाला होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने खल वंदना तो की है, किंतु अत्यंत प्यार से पाले जाने पर भी क्या कौवे मांस खाना छोड़ देते हैं? बिछुरत एक प्राण हरि देनी, मिलत एक दुख दारुण दे। उपजन एक संग जग मानी, जलज ज्योत जिमि गुण मिल जानी। भल अनभल निज निज कर तूती, लगत तुझत अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर तरी तारू, गरद अनल कलिमल तरी प्यारू। गुण अब गुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनिक देहि सोई। अमरता
जाए। कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण ताना। लोक वेद विदित सब का हो।